नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्लैश। दोस्तों, विजय हजारे ट्रॉफी का एक बेहद ही कमाल का मुकाबला चल रहा है महाराष्ट्र और मुंबई के बीच। इस मुकाबले में धवल कुलकर्णी ने जहां मुंबई को एक बेहद ही कमाल की शुरुआत दिलाई थी, गेंदबाजी आक्रमण में बहुत ही ज़्यादा शानदार गेंदबाजी करते हुए उन्होंने 4 विकेट चटकाए थे, तो लग रहा था कि मुंबई की टीम जो है वो कहीं ना कहीं 100 के अंदर ही ऑल आउट कर देगी वहाँ पे महाराष्ट्र की टीम को। परंतु उसके बाद दोस्तों बता दूँ आपको, महज 38 रनों पे 4 विकेट गिर गए थे महाराष्ट्र के। परंतु उसके बाद बता दूँ, अजीम काजी और यश नाहर, इन दोनों ने जो बल्लेबाजी करी है वो बहुत ही काबिले तारीफ है। दोस्तों यहाँ पे बता दूँ आपको कि दोनों ने मिलकर के 201 रनों की शानदार साझेदारी कर डाली है। या दोस्तों अभी नोट आउट हैं दोनों ही, 201 रनों की नोट आउट पार्टनरशिप हो गई है अब तक, और अभी 5 ओवर्स बाकी है अभी महाराष्ट्र की टीम के बल्लेबाजी के इनिंग्स के। तो निश्चित ही दोस्तों ये जो मुकाबला है वो अभी बहुत ही कमाल का चल रहा है, और कहीं ना कहीं एक वक्त लग रहा था कि टीम जो है महाराष्ट्र की वो 100 तक नहीं पहुँच पाएगी, परंतु अजीम काजी 115 गेंदों में 102 रन बनाए हैं उन्होंने, और 12 चौके और 6 शानदार छक्के शामिल थे उनके इस इनिंग्स में अब तक। हालांकि दोस्तों बता दूं कि ये नॉट आउट खेल रहे हैं अजीम काजी, 115 गेंदों में 102 रन बनाए हैं, तो ये बेहद ही कमाल की बल्लेबाजी तो इन्होंने की है और साथ दिया है इनका। दोस्तों बता दूं आपको, यश नाहर ने 101 रन बनाए हैं 123 गेंदों में, 6 चौके जड़े हैं और 5 शानदार छक्के जड़े हैं इन्होंने। तो दोस्तों निश्चित ही वहाँ पे धवल कुलकर्णी ने जिस तरीके की गेंदबाजी कर रही थी, एक वक्त लग रहा था कि 100 के आसपास तक ही टीम पहुँच पाएगी, परंतु इन दोनों बल्लेबाजों ने जिस तरह का प्रदर्शन किया है वो बहुत ही ज़्यादा हद तक काबिले तारीफ है। तो दोस्तों ये जो अजीम काजी और यश नाहर ने बल्लेबाजी की है, इन दोनों की जो इनिंग्स है, ये जो पार्टनरशिप रहा है उनका, वो कहीं ना कहीं मिसाल बन जाएगी निश्चित ही इनके साथियों के लिए, क्योंकि बहुत ही गंदी बल्लेबाजी हुई थी कहीं ना कहीं शुरुआत में महाराष्ट्र की टीम की तरफ से, महज 38 रनों पर 4 विकेट। और ध्यान देने योग्य बात ये थी कि ये जो चारों विकेट गिरे हैं वो सभी मुंबई के एक ही गेंदबाज ने लिए थे, धवल कुलकर्णी ने इन सभी का विकेट लिया था। सभी टॉप के चारों बल्लेबाज को मुंबई के धवल कुलकर्णी ने शानदार गेंदबाजी से आउट किया था। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, साथ ही आप अगर हमारे चैनल के वीडियोज को सबसे पहले देखना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड बी सेफ, लव यू ऑल।